हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी 6 बजे, क्योंकि हम लोगों को जाना था कहीं बाहर, तो मैंने रख दिया पानी गर्म करने के लिए, चाय बनाया और जीरा पानी बॉयल कर रही हूँ अपने लिए। जा चलो, 6:30 हो गया। आयुष उठो। उसके बाद एकदम मस्त मैं नहा वहा ली और यहाँ पे बाकी सब भी रेडी हो चुके हैं। आयुष अपनी मम्मी के पैर में पट्टी कर रहा है क्योंकि उनको कॉर्न हुआ है, थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रही थी उनको। स्लो स्लो खुलता है। जीरो दबाया? हाँ। गुड। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? गुम्मी। गुम्मी जा रहे हैं कि टेंपल? टेंपल। क्या करेंगे वहाँ जाके? वहाँ जाके जय जय करेंगे। जय जय बाबा। हमें कुंजा पहनने दिए। गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैनल एस वीडियो एंड ब्लॉग्स में। और आज हम लोग निकल चुके हैं बालाजी टेंपल जाने के लिए, जो कि है नारायण गांव में, और हमारे इन लॉज आए हुए हैं यहाँ घूमने के लिए। तो ये है मेरे ससुर जी, ये है मेरी सासू माँ, और इनको तो आप जानते ही होंगे। तो बस चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं और बालाजी का दर्शन कराते हैं। तो मौसम बहुत ही मस्त और जबरदस्त वाला हुआ है, थोड़ी बहुत बारिश हुई है रात में, फिलहाल तो बंद है। और अभी हम लोग हैं मुंबई बेंगलोर हाईवे पे और अभी हम लोगों को कुछ 1.5 घंटे लगेंगे वहां पहुंचने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ अद्भिक सो गया है मेरी गोद में, बहुत मस्त, बहुत प्यार से, इसकी नींद नहीं हुई थी सुबह सुबह। वेदर बहुत अच्छा हो गया, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। बच्चा अगर गोद में सोया हुआ आगे ना, तो थोड़ा सा मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था, फिर भी मैंने हर चीज़ कवर किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मस्त बादल दिख रहा है और चारों तरफ पहाड़, बहुत ही अच्छा व्यू है। ये रास्ता बहुत ही सुंदर है, हाईवे जो है। हम लोग एक जगह पर रुक गए हैं नाश्ता करने के लिए, तो बस यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नाश्ते में हमने मंगाया है इडली, इडली वड़ा और डोसा मंगाया हमने, पोहा मंगाया, चाय मंगाया, तो बहुत अच्छा था यहाँ का नाश्ता। अद्विक इधर बताओ, दादा ने क्या दिलाया आपको? कौन कौन सा एनिमल्स है इसमें? तो दादाजी अच्छे हैं क्या? थैंक यू दादाजी, बोल दो आई लव यू। वेलकम। बस नाश्ता करके अब हम लोग आगे निकल चुके हैं। तो अभी हम लोग हाईवे से सर्विस रोड पे हो चुके हैं। यहाँ पर बालाजी करके एक शॉप है, बालाजी स्वीट्स की, वहाँ से हम लोगों को लेफ्ट टर्न लेना है नारायणपुर जाने के लिए। और यहाँ पर श्री क्षेत्र नारायणपुर का बोर्ड लगा हुआ था। यहाँ से जो रोड है वो थोड़ी सी ख़राब है, बारिश की वजह से और भी ख़राब हो गई है, बहुत से गड्ढे वगैरह थे। लेकिन मंदिर के पहले से जो रोड स्टार्ट होती है, जो कि आप अभी देख रहे हो, ये रोड बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है और मंदिर को बहुत साफ़ सुथरा रखा गया है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मंदिर का गेट और इसके अंदर बहुत ही अच्छी पार्किंग है, पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो बस अपनी गाड़ी पार्क करते हैं हम लोग यहाँ पर। पार्किंग का कोई चार्जेस नहीं था, बस एक बॉटल ही ले लो और कुछ मतलब। थोड़ी धूप हो गई थी अभी, तो मैंने भी स्टाइल मारने के लिए चश्मा उश्मा लगा लिया है। और अभी हम लोग यहाँ पर, ये छोटा बच्चा है, हम लोग को टीका लगा रहा है, तो हम सब ने यहाँ पे टीका लगाया। इससे कितने प्यारे लग रहे हो, हम सब लोग टीका लगा लिए। तो धूप लगता है अद्विक। शवा माधवा
हरि नारायण केशव माधव हरि नारायण अद्विक केशव माधव अद्विक आप तो चश्मा किसका लगाए हो ना डैडी का है और मंदिर से बहुत पहले यहाँ पर वॉशरूम बनाया गया है स्वच्छता गृह जहाँ पर भी आपको चप्पल वगैरह निकाल करके जाना है तो इसको मंदिर से बहुत दूरी बना दिया गया ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आगे जाने के बाद हम लोग चप्पल स्टैंड पे गए और अपनी चप्पल वहाँ पर हम लोगों ने उतार दिया। मंदिर से थोड़ा पहले ही उन्होंने लेफ्ट साइड में ही चप्पल स्टैंड बनाया हुआ है। माधव मधुसूदन नारायण माधव मधुसूदन नारायण। और चप्पल स्टैंड के बाजू में ही स्नैक्स का एक छोटा सा शॉप है, आपको भूख वगैरह लगी तो आप लोग वहाँ पे कुछ खा सकते हो। माधव मधुसूदन नारायण कृष्ण राम गोविंद नारायण। और उसके पास में ही यहाँ पर आपको अगर बालाजी आते होंगे, आप लोग तिरुपति बालाजी गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर अपने बाल निकाला जाता है, तो यहाँ पर भी वैसा ही अगर आपको अपने बाल वगैरह करवाना है तो करवा सकते हो। और यहाँ पर अपना कैमरा और मोबाइल जमा करना था तो हमने यहाँ पर मोबाइल जमा कर दिया और उसके बाद निकल गए दर्शन करने के लिए। अभी जो ये क्लिप आप लोग देख रहे हो, ये दर्शन करने के बाद मैंने ये क्लिप आप लोगों के लिए वापस जा कर के जहाँ तक कैमरा अलाउड था तो मैंने बनाया है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही बड़ी मंदिर है ये और यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाइन लगती है, तो हम लोग लाइन में जा कर के दर्शन किए थे। और जो लोग एजेड हैं उनके लिए डायरेक्ट दर्शन है, तो मेरे इन लॉज को लाइन में नहीं लगना पड़ा था, वो लोग डायरेक्ट जा कर के पीछे साइड से दर्शन कर लिए थे। कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए मैं आपको पूरा अंदर तक नहीं ले जा कर के दिखा पाई, लेकिन हमारा दर्शन बहुत अच्छा हुआ था। संडे है, क्राउड था थोड़ा। अभी यहाँ से मंदिर का गेट है जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरी मम्मी यहाँ पे व्हील चेयर से बैठ गई थी, उनको पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है इसके लिए। ये आप देख सकते हैं मंदिर कितना सुंदर, कितना कलाकारी से बनाया गया है। ये है मंदिर का गेट और यहाँ पर ये है बहुत खूबसूरत रंगोली। यहाँ पर भैया कितनी प्यारी आई है। कितना चार्जेस लगता है भैया बता दो मेरे ब्लॉग में। 50 रुपीज़। ओके, जो भी आए यहाँ पर भैया से मिले वो 50 रुपये में बहुत ही अच्छी फ़ोटो खींचते हैं और सॉफ्ट कॉपी आपको 30 रुपीज़ में दे देंगे। सुंदर आई है ना बहुत। दादाजी को धीरे 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 अद्विक जो लाल हो पूरा हरा नहीं, पूरा पक्का भी नहीं, पूरा पक्का नहीं चाहिए। मंदिर के दर्शन हो गए हम लोगों के। ये है मंदिर का बाहर का दृश्य। संडे का दिन था, बहुत ज़्यादा क्राउड था, लेकिन दर्शन हम लोग को बहुत अच्छे से मिल गए। कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। मैं आगे ही ऐसे अच्छे से व्लॉग लेकर के आऊँगी। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय कर दो अभी सबको।